सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पर्यावरण धर्म व बनराकी मूवमेंट के प्रनेता पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल ने रविवार को छतरपुर के केरकी स्थित शिव तपोभूमि कुटिया परिसर में पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। पर्यावरण धर्म पर आयोजित गोष्ठी में विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि लगातार सुखाड़ व अकाल की मार झेल रहे किसानों को वृक्ष की खेती अपनाना होगा, उससे न सिर्फ उन्हें सुखाड़ व अकाल की उत्पन्न स्थिति से निजात मिलेगी बल्कि समाज में फैली प्रदूषण की जहर व बेतहाशा बढ़ रही धरती के तापमान पर भी काबू पाने में कामयाबी मिलेगी। छतरपुर के शिव तपोभूमि कुटिया परिसर में अमरुद का पौधा लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना से करते हुए कौशल ने वहां उपस्थित लोगों को पर्यावरण धर्म के 8 मूल मंत्रों की शपथ दिलाई। नेपाल भूटान समेत देश के 10 राज्यों में 2,00,000 निःशुल्क पौधारोपण और वितरण का लक्ष्य निर्धारित कर अभियान की शुरुआत डाली बाजार के कौशल नगर से 1 जुलाई से की गई। अब तक कई जिलों में पौधारोपण और वितरण का कार्य संपन्न हो चुका है और आगे भी जारी है। उन्होंने कहा कि महिलाएं जिस तरह से अपने बच्चों की देखभाल करने में निपुण होती हैं, उसी तरह पौधों का भी निगरानी और सुरक्षा करें। उन्होंने कहा कि यहाँ के किसान अगर वृक्ष की खेती करते हैं तो उससे न सिर्फ उनकी आमदनी बढ़ेगी बल्कि प्रदूषण को कम करने में भी वे मददगार साबित होंगे, साथ साथ बाजार के लोग कई बीमारियों की चपेट में आने से भी बचेंगे। उन्होंने सभी लोगों को 5 से 10 पौधा लगाने और बचाने की सलाह दी ताकि आने वाली भयावह स्थिति से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि यहाँ की जलवायु और मिट्टू दशहरी आम और मछली के लिए काफी उपयुक्त है जिसका लाभ किसानों को लेना चाहिए। उन्होंने वर्तमान की स्थितियों से निपटने के लिए पूर्व से चलते आ रही खेती के तरीकों और सोच बदलने की जरूरत पर बल दिया। कार्यक्रम का समापन पर्यावरण धर्म के स्लोगन सोचो साथ क्या ले जाओगे, एक पौधा लगाओगे 7 पीढ़ी तर जाओगे के साथ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रविंदर राम और संचालन संतोष प्रसाद ने किया। मौके पर मुखिया समेत सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। मेरा मानना है कि बन है तबे हम बन नष्ट हो जाएंगे तो सीसी का नाश हो जाएगा। सीसी को नाश होने से बचाना है तो प्रत्येक व्यक्ति की पर्यावरण धर्म के 8 मूल मंत्र को अपनाना होगा। पर्यावरण धर्म के 8 मूल मंत्र क्या है? प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्मदिन पर पौधा लगाए या शुभ काल में कोई पौधा लगाए, घर के गिरी पर जो भी हो उसमें पौधा लगाए। जन माने आदमी, कई एक्सीडेंट कर गया है, लाचार है, बीमार है, महिला है, पुरुष है, तो उसको प्रयास कीजिए कि कुछ मदद कर करके उसको हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए, उसको किसी जान बचाने का प्रयास कीजिए। तो हो गया जन, दूसरा तीसरा जल, जंगल, जमीन, पक्षी, प्रकृति और वो बचाने का, जानवर बचाने का ये उद्देश्य है। आप जल बचाने का अभी सरकार के आ गया है नल जल, जल लगा दी जहाँ चापा कलोग्राम में। तब पहले लोग हैंडपंप चला के चलाता था तो कम पानी निकलता था, उतने में काम चला लेता था। अभी आ गया कोका में टंकी लगा दो, अब देख रहे हैं का कि पानी चल जा रहा है ऊपर। अब नहाना था, अभी एक बाल्टी में नहाता था, 5 बाल्टी से नहा रहा है, चूंकि उसको ज्ञान नहीं है कि हम पानी बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे में कैसे जल बचेगा? तो जल भी बचाना है।